हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बॉस, प्लान के मुताबिक सारी तैयारियां हो गई है। पिछली बार भी तुमने यही कहा था और सारी पेंटिंग्स हमारे हाथ से निकल गई और हमें करोड़ों का नुकसान हुआ था। इस बार ऐसा नहीं होगा बॉस, आप मुझ पे भरोसा कीजिए। अब की बार ऐसा हुआ तो अगली बार भरोसा दिलाने के लिए जिंदा नहीं बचोगे। मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा बॉस, लेकिन बॉस उस कार्तिक का क्या, वो हमारे हिसाब से चलेगा? उसकी चिंता तुम मत करो, उसे कठपुतली की तरह अपने इशारों पर कैसे नचाना है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। और बॉस, हमारे वो आदमी जो सीआईडी के हाथ लग गए उसका क्या? उसका हमें कोई खतरा नहीं, क्योंकि वो हमारे प्लान के बारे में नहीं जानते। और रही बात सीआईडी के लोगों की, तो उनके साथ तो मैं ऐसे खेलूंगा जैसे एक छोटा सा बच्चा अपने झुंझुने के साथ खेलता। अपने झुंझुने के साथ। सर, मैंने जैको के आने की खबर सारे पुलिस स्टेशन में कर दी है, उनको कुछ जैसे ही पता चलेगा तो हमें इन्फॉर्म कर देंगे। सर, बॉर्डर एरिया और समुद्र इलाकों में भी हाई अलर्ट कर दिया है। मुझे डर है कि ये कदम उठाने में हमने कहीं देर तो नहीं कर दी, ये जैको कहीं शहर में पहुंच तो नहीं गया। सर, डॉक्स पर हमने जिन गुंडों को पकड़ा था उनमें से एक गुंडे की जेब में ये फोटोग्राफ मिली है। सर, फोटो की तो बहुत बुरी हालत है। सर, शक्ल इतनी बिगड़ी हुई है, हम पहचानेंगे कैसे? ये घर, ये घर कहाँ का है? पीछे पीछे कुछ है बैकग्राउंड में, एक मिनट। बी, ये आगे क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बी R E S T, रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट, हाँ, शायद ये रेस्टोरेंट का नेम बोर्ड है। ठीक से समझ भी नहीं आ रहा, देखो कुछ दिखता है। सर, आधे अधूरे अक्षर है। P, उसके बाद वाला अक्षर मिट चुका है, फिर वापस P है। P-P, pop. इसके बाद सर एंड का साइन बना हुआ है। पॉप एंड वापस पी डैश आई पी सिप पॉप एंड सिप रेस्टोरेंट। पॉप एंड सिप, सर कहीं है वही रेस्टोरेंट तो नहीं जो स्टैचू सर्कल के पास में है? मतलब ये घर उस स्टैचू सर्कल के पास है, वही जाके पता चलेगा कि ये आदमी है कौन। देखो जरा, सर जल्दी आइए। सर, ये तो मर चुके हैं। सर, लगता है इनकी मौत को ज्यादा वक्त नहीं हुआ। लगता है खूनी इनसे कुछ सवाल जवाब करना चाहता था, या तो इन्होंने खूनी को जवाब देने से मना कर दिया, या फिर जो इन्फॉर्मेशन उन्हें चाहिए थी वो उन्हें मिल गई। सर, मतलब जैको इनको इस शहर में मारने के लिए आया था? नहीं निखिल, ये जैको सिर्फ हाई प्रोफाइल लोगों को अपना निशाना बनाता है जिनके आसपास बहुत सिक्योरिटी होती है। इन्हें मारने के लिए इतने पैसे खर्च करके कोई इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट किलर को क्यों बुलाएगा? सर, हो सकता है इनके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो मिस्टर जैको को चाहिए थी अपने अगले शिकार को निशाना बनाने के लिए। ये हो सकता है, तलाशी लो।
सर 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 मरने वाले का नाम मिस्टर करण है सर, ये एक मशहूर आर्किटेक्ट थे। सर 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 तिजोरी खुली हुई थी सर, और उसमें ये ब्लूप्रिंट्स और ये लिस्ट मिले। ब्लूप्रिंट्स? लगता है इन बिल्डिंग से ब्लूप्रिंट इन्होंने डिजाइन किया है। सर इस लिस्ट में जितने नाम है सबके ब्लूप्रिंट्स हैं, सिवाय एक के, होटल एक्वावेव। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इस होटल एक्वावेव के ब्लूप्रिंट के लिए मिस्टर करण का खून किया गया? कुछ तो है इस होटल एक्वावेव में जो खूनी के लिए बहुत खास है। देख बेटा, अब से तेरा मौन व्रत शुरू, और जब तक मैं ना कहूं ना, ये व्रत तोड़ना नहीं। चलो अभी का है, चलो अभी बता बता। चल चल छोटू, क्या कर रहे हो? अरे कौन है? मारना मत। चलो मारना मत, मुझे मारना मत। छोटू चल, बात है सबको, बैठ जाओ। आपको चाहिए क्या? यार मुझे क्या चाहिए, ये बात आज तक मेरे माँ बाप नहीं समझ पाए। प्लीज प्लीज मुझे मत मारिए, प्लीज। मेरे घर में 3 साल की बच्ची है, प्लीज मुझे मत मारिए, प्लीज। हम किसी को मारने नहीं आए, किसी को कुछ नहीं होगा, बस एकदम शांत। किसी के मुंह से अगर एक लफ्ज भी और निकला तो फिर ये गन है और तुम्हारा दिल और बस एक गोली। अंदर जाने के सारे दरवाजे बंद है, रिसेप्शन एरिया क्लियर है सर। अंदर एक आदमी गन लेके खड़ा है। अच्छा, बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी हमको। एक भी गलती हो गई ना तो जितने भी लोग अंदर हैं सबकी जान को खतरा हो सकता है। बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। एसीपी प्रद्युमन। वेलकम एसीपी साहब, वेलकम। हम आपके स्वागत में फूल मालाएं नहीं सजा सके, माफ करना। हम भी तुम्हारे स्वागत के लिए हथकड़ियां लेकर आए हैं, समझे? अगर भलाई चाहते हो तो अपने आप को हमारे हवाले कर दो। एसीपी साहब, आपको हम जैसे मासूम मुजरिमों की मासूम कलाइयों पे हथकड़ी सजाने का बहुत शौक है। लगता है आप एक बात भूल गए हैं, कुछ साल पहले शाकाल के प्यारे प्यारे हाथों में भी आपने हथकड़ियां सजाई थी, भूल गए? कौन शाकाल? अरे आपकी याददाश्त बहुत कमजोर हो गई है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल गलत है, आप जरा याद करने की कोशिश कीजिए। अरे वही शाकाल जिसको आपने बीजलपुर जेल में बंद कर दिया था, कुछ याद आया? तो क्या, वो बेचारा काल कोठरी में तड़प रहा होगा। अरे उसकी भी तो जान है। हाँ, उसे कुछ पल के लिए इस सुहानी हवा में छोड़ दो तो हम भी इन प्यारे प्यारे लोगों को छोड़ देंगे। अच्छा, बहुत याद आ रही है शाकाल की, हम तुम्हें ले चलते हैं शाकाल के पास काल कोठरी में। अरे एसीपी साहब, अगर मैं यहाँ से चला गया तो इस वक्त मेरे कब्जे में ये जो 40 लोग हैं,
उनको ऊपर वाले के पास कौन पहुंचाएगा? बोलो एसीपी साहब, बोलो। अरे कुछ तो बोलो। कितने लोग अंदर है, अगर उनमें से किसी का भी बाल बाका हुआ ना तो याद रख, इतनी बुरी तरह मारूंगा तो अपनी शक्ल तक पहचान नहीं पाएगा, समझा? एसीपी साहब, दया को समझाइए। जो मुद्दा बातचीत से सुलझ सकता है उसमें खून खराबे की क्या जरूरत है? और हाँ, शाकाल को जेल से रिहा करते वक्त एक वैन जरूर दे दीजिएगा, ताकि हम अपनी प्राइवेट एयरफील्ड तक पहुंच सके। और अगर मैंने ना कह दिया तो क्या? तो हर एक घंटे में आपको दो लाशें यहाँ से मिलेंगी। तो आपका वक्त शुरू हो चुका है, टाइम बचा है 59 मिनट 30 सेकेंड। देखो, देख, देख, हेलो, 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 अब अंदर जा। देख, दो नंबर के दरवाजे पे देख। तुम्हारे सामने जो फ्लश टैंक है उसके अंदर कुछ रखा है, निकालो उसे। इसमें तो गन है। हाँ, ये दिवाली वाला गन नहीं है, समझे? अभी तुम्हारे मोबाइल पे मैं कुछ भेज रहा हूँ, देखो जरा उसे। कार्तिक, प्लीज मुझे बचा लो, नहीं तो लोग मुझे जान से मार देंगे। प्लीज कार्तिक, बचा लो मुझे। आखिर तुम मुझसे करवाना क्या चाहते हो? वो तुम्हें बाद में पता चलेगा, गन खोल के देखो जरा। सीआईडी वाले मच्छर हो मच्छर, और मच्छर कभी शेर को कैद नहीं कर सकता। समझाओ, अपने इस बच्चे को समझाओ, ये शायद नहीं जानता शाकाल क्या चीज है। शाकाल वो मछली है जिससे समुद्र में रहने वाले मगरमच्छ भी डरते हैं। तो जैसी जुर्म की मछलियां जब गुनाह के तालाब से बाहर निकलती हैं ना, तो उनका अंत तड़प तड़प के ही होता है। इतिहास गवाह है, अंत हमेशा अच्छाई का ही होता है। मेरे सीआईडी वाले दोस्त, अंत में जीत बुराई की ही होती है। समझ में नहीं आ रहा कि तेरी इस गलत फहमी पे मुझे हंसना चाहिए या फिर तरस खाना चाहिए। ओके, अलविदा। अपना काम तो हो गया सर, फंस गया। अब यही हमें अपने साथियों तक पहुंचाएगा। चलो। He's dead. Sir,
दुष्यंत का फोन था, किसी ने शाकाल को गोली मार दी। क्या, कब, कैसे? शायद किसी शार्प शूटर ने गोली मार दी चुपके से। माय गॉड, अब क्या होगा सर अगर किडनैपर उसको पता चल गया तो? सर कहीं ये किडनैपर की चाल तो नहीं? उसने शाकाल को जेल से इसलिए छुड़वाया ताकि उसे मार सके। सर मैंने ना एक फिल्म देखी थी, उसमें ना एक आदमी चार आतंकवादियों को जेल से बाहर निकालता है ताकि उन्हें वो गोली मार सके। चुप रहो, ये कोई हिंदी फिल्म नहीं है। टाइम क्या हुआ? सर एक घंटे के ऊपर 3 मिनट हो गए। पर किडनैपर्स का फोन नहीं आया। फोन क्यों नहीं आया उनका? फोन करके देखो उनको, देखो इन्हें पता चला है क्या। क्या हुआ? किडनैपर का फोन बंद आ रहा है सर। नहीं सर। सर होटल का ब्लूप्रिंट मिल गया, कंस्ट्रक्शन कंपनी से मिला है। सर ये देखिए, ये सिविल लाइन के नीचे एक पैसेज है जो सीधे होटल के तहखाने में खुलता है। अब समझ में आ गया सर, उन लोगों ने आर्किटेक्ट का खून क्यों किया है, ये नक्शा चुराने के लिए। दया, अब हम भी इसी पैसेज से होटल के अंदर घुसेंगे। देखिए हम लोग सीआईडी से, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा, समझे? घबराइए मत, थोड़े इन लोगों को जल्दी। किडनैपर? ये किडनैपर के बारे में कोई कुछ बता सकता है? हाँ? जिसने भी ये तुम लोगों के साथ किया उनके बारे में कुछ जानते हो तो जल्दी बताओ। सर उन लोगों ने अपने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था। और कुछ? सर वो फोन पे किसी से बातें कर रहा था। सर जरूर किडनैपर को पता चल गया होगा कि शाकाल की मौत हो गई, इसका मकसद खत्म हो गया, निकल गया वहीं से। शाकाल को मारने के लिए वो लोग इतना बड़ा कांड करेंगे? नहीं 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 नहीं, ये कुछ और ही चक्कर है, कुछ बड़ा चक्कर है भैया, कुछ बड़ा चक्कर है। पर क्या किसी का बैग रह गया क्या? पंकज एक मिनट, सर इसमें तो सिर्फ 20 सेकंड्स बचे। कौन कौन? सर आपको यहाँ से बाहर चलिए। सर रुक जाओ, चलिए बाहर चलिए सर आप लोग। भैया भैया रुक जाओ, भैया
दया। सर सुधरोगी, चलो आप। पूरा प्लान बनाया था उसने सीआईडी को खत्म करने का। जैसे हम होटल में जाएं, हम सबको मार डालने वाला था, सबको। और हमारे साथ साथ शाकाल को भी। Exactly, यही तो प्लान था उसका, ताकि हमारा ध्यान भटक जाए। शाकाल की कुंडली निकाली? हाँ सर, ये उसकी जन्मपत्री। 12 मर्डर और 25 किडनैपिंग के केस है सर इसके ऊपर। 12 मर्डर्स और 25 किडनैपिंग। शाकाल फिर है कौन ऐसा आदमी जो इतने खतरनाक मुजरिम को मारना चाहता था? है कौन ये, और फिर क्यों, किस लिए मारा उसने शाकाल को? सर ये कहीं किसी समाज सेवक का काम तो नहीं जो इस देश से सारे अपराधियों का खात्मा करना चाहता हूँ? नहीं, 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 नहीं श्रेया, ये कोई समाज सेवक हो ही नहीं सकता। क्या वो ऐसा आदमी इतने सारे लोगों की जान को खतरे में डालेगा उस होटल में? नहीं 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 नहीं, ये कुछ और ही चक्कर है, कुछ और ही चक्कर है ये। सर राज से पर्दाफाश हो गया। क्या पता चला? सर शाकाल ने कुछ दिनों पहले जेल में अपने दोस्त से बातों बातों में कहा था कि अशोक साम्राज्य का खून उसने किया था। अशोक साम्राज्य? हाँ सर, मशहूर बिजनेसमैन। दया जरूर किसी के कहने पर अशोक को मारा गया है, और वो भी पैसे लेकर। हाँ सर, सर मुझे लगता है कि जिसने भी अशोक की सुपारी दी थी शाकाल को, उसे इस बात का डर था कि ये शाकाल पुलिस में उसका नाम बता देगा, इसलिए अपने आप को बचाने के लिए उसने शाकाल को जेल से निकलवाया और कॉन्ट्रैक्ट किलर को सुपारी दे दी सर, मिस्टर जैको को। मगर सर अशोक को मारने की सुपारी कौन दे सकता? वही देगा ना श्रेया, वही देगा जिसे अशोक की मौत से सबसे ज्यादा फायदा होगा, और वो है अशोक साम्राज्य का बिजनेस राइवल वीरेन। यहां पर तो बहुत सारी सिक्योरिटी, मैं गन लेकर अंदर कैसे जाऊंगा? कार्तिक तुम? जी वो मैं। यहां कैसे? बस जैसे ही मुझे पता चला कि आपकी कॉन्फ्रेंस है तो सोचा कि आपसे मिल लूं। चलो अंदर चलो। सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप सब अपना कीमती वक्त निकाल करके यहां आए। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी कंपनी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है। ये जो तेरे सामने स्टेज पर आदमी खड़ा है उसे उड़ाना है, यही तेरा मिशन है। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता हूं। तेरे को करना ही पड़ेगा, ये भूल गया अन्याय के साल में। Let's go!
आइए सर, आपकी जान को खतरा है, चलिए। आइए सर, आइए, अंदर आ जाइए। ये हो क्या रहा है? सर, शायद कोई गन लेकर घुस गया है। मगर इतनी सिक्योरिटी के बावजूद कोई गन लेकर अंदर कैसे घुस सकता है? शायद सिक्योरिटी वालों ने ठीक से चेकिंग नहीं की है। अगर मुझे कुछ हो जाता तो? सर, अब आपको कुछ नहीं हो सकता, अब आप बिल्कुल सेफ हैं। सर, सर, संभालिए अपने आप को। किसने चलाई वीरेन सर पे गोली? कैसे हो मेरे दोस्त? तुमने मुझसे क्या करवा दिया? कुछ नहीं, जैसे कंडक्टर बस में मुसाफिरों के टिकट काटता है, मैंने तुझसे वीरेन का टिकट कटवा दिया। वेरी सिंपल। ये तुमने ठीक नहीं किया, मुझे भी अपनी तरह गुनहगार बना दिया तुमने। सॉरी दोस्त, लेकिन क्या करता, एक तू ही था जो वीरेन को अच्छी तरह से जानता था, और सिर्फ तू ही उस होटल में घुस सकता था। समझ ले यार, समझ ले, मेरी मजबूरी तो समझ ले। लेकिन मैंने गोली नहीं चलाई है। मैं जानता हूँ कि तूने गोली नहीं चलाई है। अरे तू तो गुड बॉय है, लेकिन तूने सिक्योरिटी का ध्यान बटा के असली खूनी का काम आसान कर दिया, जो सामने बिल्डिंग पर कब से निशाना लगाए बैठा था। तेरी नई जिंदगी शुरू हो गई अब तो। अब सब तुझे ही वीरेन की मौत का दोषी मानेंगे। कोई नहीं मानेगा, कोई नहीं मानेगा। मैं सब कुछ तुम्हारी सच्चाई बता दूंगा। तू सपने बहुत देखता है हा? पर ये कहावत तो तूने सुनी ही होगी कि दिन में सपने देखने वाले बहुत जल्दी ऊपर जाते हैं। तो सपने देखना बंद कर और अपना फोन देख। कार्तिक, कार्तिक, प्लीज मुझे बचा लो, नहीं तो ये लोग मुझे मार देंगे। प्लीज कार्तिक, प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज। तू जो कोई भी हो, अब तेरा टाइम खत्म। जा, जाके शहर के किसी भी कोने, किसी भी बिल में छिप जा। तुझे उसी बिल से निकालकर जान से मारूंगा मैं। अरे कार्तिक अंकल, मैं तो डर गया। अरे मैं तो बहुत डर गया। मैं फोन रखता हूँ। हाँ सुन, बोल, तू किसके लिए काम करता है? मुझे किसने भेजा है तुझे यहाँ? मुझे बोल उड़ा, बोल उड़ा। उठाता, उठाता। स्पीकर पे, स्पीकर पे। काम हुआ या नहीं? हाँ बॉस, कार्तिक को यमराज के पास पहुंचा दिया। शाबाश, चल आ जा वापस, तुझे कार्तिक की मौत की मिठाई खिलाता हूँ। चल, जरा मैं भी तो चलकर देखूं कि मेरी मौत की मिठाई कितनी मीठी है। चल। सर, उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की, पर वो भाग गया सर। भाग गया? शर्म आनी चाहिए। कमाल है सर, इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद एक आदमी इतनी आसानी से ऑडिटोरियम में गन लेकर घुस गया। लेकिन सर, खून उसने नहीं किया, किसी और ने किया। बहुत सोच समझ के प्लानिंग की है फेडी। दो लोग तैनात रखे थे उसने वीरेन को मारने के लिए, एक ऑडिटोरियम के अंदर और एक ऑडिटोरियम के बाहर। क्योंकि अगर वीरेन ऑडिटोरियम में से किसी भी हालत में बच जाए तो उसे बाहर खत्म कर डालने के लिए। पर सर, इतनी बड़ी प्लानिंग कर कौन सकता है? एक बार पता चल जाएगा ना पूर्वी कि ऑडिटोरियम के अंदर गन लेकर कौन घुसा था, तो समझ लो उसका भी पता चल जाएगा जिसने पूरा कांड रचा है।
तो कार्तिक है, ये यहाँ क्या कर रहा है? सब ईरान आ रहा है। फिर इन दोनों के हाव भाव देख के लगता है कि एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। सर कार्तिक के पास गन है? हाँ, कार्तिक के हाथ में गन है, अभी वहीं का। सर मतलब कार्तिक वीरान को मारने आया था? सर ये कार्तिक बार बार कान पे हाथ क्यों लगा रहा है? ये कान पे हाथ इसलिए लगा रहा है क्योंकि ब्लूटूथ से बात कर रहा है किसी के साथ। ये करो। सही, इस आदमी ने कार्तिक के हाथ में गन देखी और हल्ला मचा दिया। पॉज करो, रिवाइंड करो, ये करो, फिर से रिवाइंड करो, अपने करो, ये देखो कि आदमी बार बार कार्तिक को देख रहा था। इसका मतलब है वो जानता था कि कार्तिक के पास गन है, सही मौके का इंतजार कर रहा था वो हल्ला मचाने के लिए, ताकि सबका ध्यान भटक जाए और खूनी आसानी से वीरेन को मार सके। एग्जैक्टली, बस इस हल्ला मचाने वाले का पता लगा, उठाओ उसे, उसी से पता चल जाएगा इसके पीछे किसका दिमाग है। हेलो, हाँ सर, क्या? ठीक है सर, क्या हुआ? सर अन्य को किसी ने उसके घर से किडनैप कर लिया है। अन्या को किडनैप कर लिया किसी ने? आओ कार्तिक, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूं। कार्तिक आओ, अब छुपने का कोई फायदा नहीं है। कुणाल, तुम? हाँ मैं। तुझे तो मैं दिवाली का सोतली बॉम्ब समझा था, पर तू तो एटम बॉम्ब निकला। एटम बॉम्ब नहीं, न्यूक्लियर बॉम्ब, जो अब तुझे तेरे एक एक गुनाह का प्रायश्चित करवाएगा। जल्दी में हो,
सीढ़ी की गाड़ी में बैठ जाओ, जहाँ जाना होगा पहुंचा देंगे। आप ये भागने में अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहा है? दया सर से थप्पड़ खाने के लिए रेडी हो गया। चल। तो इतने प्यार से समझा रहा है कि जहाँ जाना है छोड़ देंगे, क्यों भाग रहा? साहब, वीरेंद्र जी की मौत से मेरा कोई लेना देना नहीं। मुझे सिर्फ इतना कहा गया कि कार्तिक को देखकर हला मचा दो। किसने कहा था तुमसे ये करने के लिए? साहब मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ फोन आया था कि ये काम होने के बाद में पैसे लेकर ये शहर छोड़ दो। सर, जरूर पेंटिंग्स की चोरी में भी उसी आदमी का हाथ होगा। उस आदमी का नंबर तो होगा ना तुम्हारे मोबाइल में? जी। देखा? ये नंबर। अन्या, तुम जिंदा हो? मुझे लगा क्या लगा तुम्हें कार्तिक कि मैं मर गई हूँ? अन्या को मैं कैसे मार सकता? ये तो वो गुड़िया है जिसमें मेरी जान बसती है, बहुत प्यार करता हूँ मैं इससे। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा विश्वासघात। कार्तिक, तुम इतना क्यों रो रहे हो? असली धोखा तो मैंने उस सुहास को दिया है। अगर इस दुनिया में तुम्हारे जैसे कुछ और लोग पैदा हो गए ना अन्या, तो लोगों का प्यार और दोस्ती जैसे शब्दों से विश्वास उठ जाएगा। अगर अफसोस कि तो उस दुनिया को देखने के लिए जिंदा नहीं बचेगा। अभी कुछ ही देर आग की लपटों में तू धुआं बनकर उड़ जाएगा मेरे भाई। तू एक बार ये हाथ खोल कर तो देख, बताता हूं कि कौन कहां उड़ेगा। ये तुमने ठीक नहीं किया अन्या। गुड बाय कार्तिक, बाकी की दोस्ती हम अगले जन्म में निभा लेंगे। अगले जन्म में पहुंचने की बहुत जल्दी है तुम दोनों को। एक शॉर्टकट बताऊं? फांसी का फंदा। पीछे हो जाओ, मैंने कहा आगे मत आना वरना एक गोली चलाऊंगा और सब मारे जाएंगे। तुम जैसे खटमल दूसरों की जान ले सकते हैं, मैं खुद की जान गंवाने का जिगर नहीं रखते। गोली चलाएगा तुम? चला गोली। गोली चला। कार्तिक, ठीक तो हो तुम? हाँ सर, मैं ठीक हूँ। तिहाड़ी कभी भी निहत्थे पे गोली नहीं चलाती। Hey!
सुपारी देके खून करवाता तू हाँ? मैंने ही सुपारी दी थी शाकाल को अपने बिजनेस रेवल अशोक को ऊपर पहुंचाने के लिए ताकि हमारा बिजनेस और बढ़े और हमें मुनाफा। ये बात तुम्हारे चाचा वीरेन को बताते? नहीं, वो ये नहीं जानते थे, लेकिन जब उन्हें पता चला वो बहुत नाराज हुए और उन्होंने कहा कि वो आप लोगों को बता देंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने सारा पैसा सारी जायदाद सब सब चैरिटी के नाम कर देने की धमकी दी थी। इससे तुमने सोचा क्यों ना उन्हें ही जान से मार दिया जाए ताकि सारा पैसा सारा प्रॉफिट सब तुम्हारा। लेकिन उन्हें मारना इतना आसान नहीं था, 24 घंटे उनके साथ सिक्योरिटी रहती थी तो। और इसलिए तुम दोनों ने प्लान बनाया, पेंटिंग से चोरी करके पैसे कमाने का प्लान और उन पैसों से जैको को इंडिया बुलाना ताकि वो वीरेन और शाकाल को ऊपर पहुंचा सके। हाँ। और इस प्लान में आनिया ने तुम्हारा साथ सुहास को बेवकूफ बना के। सुहास मुझसे बहुत प्यार करता था और इसी का फायदा उठाया हम दोनों ने, विश्वासघात किया उसके साथ। तुम्हारे विश्वासघात की सजा तुम्हें कानून देगा, या तो फांसी होगी या दोनों जिंदगी भर जेल में सड़ोगे। नहीं, ले जाओ इन दोनों को। चलो भाई, ये केस तो सॉल्व हो गया, मगर उस बच्चे सारांश का कुछ पता नहीं है। 10 दिन हो गए सर उसे गायब हुए। हाँ फ्रेडी, मेरी समझ में नहीं आ रहा ये सारांश गायब कैसे हुआ। जिस वक्त प्रेम और रागिनी घर में थे सारांश वहीं पर था। ये लो तुम्हारे एनिवर्सरी के। ओ कम ऑन, हैप्पी एनिवर्सरी। बेटा आप अपने कमरे में जाओ, ठीक है? हम आपको थोड़ी देर में बुलाते, ठीक है? हाँ सर। और जब प्रियंका घर में घुसी उन दोनों के बाहर जाने के बाद, उस वक्त सारांश को घर पे ही होना चाहिए था। सारांश को कुछ हो तो नहीं गया? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।